मंडी जिला के बल विधानसभा क्षेत्र में गहरी गांव में हुए सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को लोक निर्माण विभाग मुआवजा दे, यह मांग सड़क हादसे में दिवंगत मूरध्वज के भतीजे ने उठाई है। कोठी गेहर गांव के रहने वाले मुकेश शर्मा ने बुधवार को मंडी से जारी एक वीडियो बयान में यह बात कही। उन्होंने उनके चाचा की मौत के लिए सीधे तौर पर लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। मुकेश शर्मा का कहना है कि 24 अक्टूबर करवा चौथ के दिन सड़क टूटी हुई होने से उनके चाचा की कार खाई में गिरी और उनकी इस हादसे में जान चली गई। उन्होंने बताया कि रिवालसर रोड पर घोड़ से बटाहन तक लगभग 3-4 स्थानों पर सड़क टूटी हुई है जो कि हादसों को न्योता दे रही है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंग पाई है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के बारे में लोग सरकार को बीते लगभग 2 से 2.5 वर्षों से अवगत करवा रही हैं। जनमंच में भी इस समस्या को उठा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के 1100 नंबर पर शिकायत भी करते हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने सड़क हादसे और उसमें जान गंवा देने वाले मूरध्वज की मौत का कारण लोक निर्माण विभाग की लचर प्रणाली को बताया है। मुकेश शर्मा ने बताया कि उनके चाचा मूरध्वज घर में अकेले ही कमाने वाले थे, अब उनके परिवार का आसरा छिन गया है और उनकी माता, पत्नी और 2 बच्चे आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर हो गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों को भी जल्द ही ठीक करवाने की सरकार से गुहार लगाई गई है। हाल ही में अभी 24 अक्टूबर को मेरे चाचा जी का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरे चाचा जी और एक छोटा भाई जिसका नाम धीरज है, उनका एक्सीडेंट हुआ जो कि PWD की मिस्टेक की वजह से हुआ। वहाँ पे एक खाई जैसी पड़ी थी, उसको काफ़ी टाइम हो गया था पड़े हुए, उसकी कंप्लेंट भी करवाई थी 1100 नंबर पे, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला 1100 नंबर पे, और वहाँ पे जो गाड़ी थी वो नीचे चली गई। और बाद में ये हुआ कि वहाँ पे जो एक दो दिन बाद गाड़ी के गिरने के, वहाँ पे PWD विभाग ने एक्शन किया और वहाँ पे कम से कम एक हफ्ते में ही वहाँ पे जो है रिपेयर कर दी उस रोड की। अगर उस रोड की रिपेयर पहले की होती तो शायद आज मेरे चाचा जी हमारे बीच होते, और ये PWD की भारी मिस्टेक की वजह से हुआ है। इसकी कंप्लेंट भी पहले करवाई थी बट उसका उन्होंने कोई किया नहीं, कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर, लेकिन बाद में अभी जब जैसे ही एक्सीडेंट हुआ 24 अक्टूबर को, और उसके बाद उन्होंने काम किया और वहाँ पे रिपेयर भी कर दिया। अगर ये रिपेयर पहले हो ही होती तो शायद आज हमारे चाचा जी हमारे बीच होते। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।